अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने पेपाल के अकाउंट से अपने पाकिस्तान के किसी भी बैंक में कैसे डिपॉजिट ले सकते हैं। स्पेशली इसके लिए एक वेबसाइट पेपाल वालों ने खुद क्रिएट की है जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। पाकिस्तानी यहाँ से इजी लोड भी कर सकते हैं, यहाँ से पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी ATM कार्ड में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं एक वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है exum.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा अपने पेपाल के अकाउंट के ज़रिए। हम जी हाँ, अपना पेपाल का अकाउंट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अपना पेपाल का अकाउंट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। ये मेरा पेपाल का अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ मैं कोई सा भी कंट्री सिलेक्ट करूँगा जहाँ मुझे अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि अपनी वो अमाउंट एंटर करें जो कि आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। इसके चार्जेज हैं $5, चाहे आप 1 लाख ट्रांसफ़र करें डॉलर, इसके पर चार्जेज आपके $5 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि बैंक डिपॉजिट करना है या डायरेक्ट आप बैंक में जाके विदाउट किसी अकाउंट के आप चाहते हैं कि मुझे कैश मिल जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, हम बैंक में भी डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे वो बैंक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, आपने वो बैंक का नाम सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका अकाउंट बना हुआ है। जौन सा भी आपका बैंक होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना बाद में। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी में भी आप अपने पैसे सेंड कर सकते हैं। अब अगर आपको बैंक में डिपॉजिट नहीं करना, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप ये दूसरा ऑप्शन है कैश पिकअप, आप इस पर क्लिक करें और विदाउट किसी बैंक अकाउंट के आप डायरेक्ट बैंक में जाके अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि ये शो कर रहा है, अदील बैंक, अल्फला बैंक, MCB बैंक, ये सारे पाकिस्तान के बैंक हैं। आपने सिंपली इस बैंक को सिलेक्ट करना है। ये देखें, आपको टाइमिंग भी बता रहा है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, किस दिन में आप जा सकते हैं और अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और आप एक चीज़ लाजमी है कि आपको अपना CNIC लाजमी साथ लेके जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इससे अपना इजी लोड भी सिंपली हम आप डायरेक्ट पेपाल से अपने मोबाइल में इजी लोड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने नंबर डायल किया, मिनिमम हम 500 का लोड कर सकते हैं, मिनिमम 500 का लोड कर सकते हैं किसी भी सिम में, पाकिस्तान की किसी भी सिम में हम पेपाल से इजी लोड कर सकते हैं अपने डायरेक्ट मोबाइल सिम में।